जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजो आर्ट में। और दोस्तों, ये 13वीं पेंटिंग का वीडियो बना रहा हूँ और एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं, या हमारे रिश्तेदार हो या हमारे और समाज में और लोग भी हो, तो हम कोई ना कोई अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। किसी का अच्छा होता है आज की दुनिया नहीं देखती है, और इसी तरह से कैसा भी काम कर रहे हो उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश ही करते हैं लोग। जैसे अभी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो बीच में कोई ना कोई बोल के डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, पर उसका ये कोशिश मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको इस पेंटिंग से परिचय कराऊंगा। 13वीं पेंटिंग का स्केच है और इसमें मंथरा केके के कान भरती है। मंथरा राम के राज्य अभिषेक में अड़ंगा डालती है और वो कोशिश करती है मंथरा कि कैसे भी करके भरत राजा बन जाए। वो इतनी मतलब स्वामिनी भक्त थी कि उसने उसको ये भी नहीं पता कि राम को सबसे ज्यादा प्यार कैके करती। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई मंथरा है, मंथराओं से सावधान रहना हमको, और हमारा एक सत्य धर्म पे चलना है, अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, और किसी के कान भरने से हमको सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है, मेहनत का मार्ग नहीं छोड़ना है। और अगर किसी के बारे में गलत कोई सूचना दे तो उसकी जब तक पुष्टि नहीं हो वो उड़ता तीर हमको नहीं झेलना है। क्योंकि कई लोगों को यह रहता है कि यार हम किसी को और को बोल रहे हैं और वो कोई और समझ जाता है और उड़ता तीर झेल लेता है। तो ये उड़ता तीर झेलने से खुद भी कष्ट में आता है और दूसरों को भी कष्ट मिलता है। तो दोस्तों, जैसे मंथरा ने कैकेयी को के कान भर दिए और ये पूरी तरह से इतना मतलब माइंड डाइवर्ट कर दिया कि कैसे भी करके उसको मतलब दशरथ के खिलाफ खड़े हो जाए, राम के खिलाफ खड़े हो जाए। फिर बहुत टाइम तक तो कैकेयी कन्विंस नहीं होती, पर फिर ये बोलती है कि फिर मैं क्या करूंगी, कैसे मैं दशरथ जी से कहूं। तब वो बोलती है कि भाई आपने दो वर मांगे थे, दो वर देने का दशरथ जी ने प्रॉमिस किया था जब ये युद्ध में गए थे और आपने इनकी सहायता की थी। तब बोला था कि कैकेयी दो वर मांगो, तो आपने बोला था कि वक्त आने पर मांगूंगी। तो अब दो वर मांग लो, और एक वर तो है कि मुनि वेश धारण करके और राम जी 14 वर्ष वनवास में बिताए, और एक दूसरा वर ये है कि भरत को राजगद्दी मिले, तो ये आप मांगो। तो इस तरह से कन्वर्स करके मंथरा ने अपना काम कर दिया, कान भर दिए और उसको गलत आईना दिखाया। वो पेंटिंग दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये मंथरा कैकेयी को भड़काते हुए और उसके कैकेयी के कान पूरी तरह भर दिए और राम के खिलाफ भड़का दिया है, दशरथ जी के खिलाफ भड़का दिया है। तो दोस्तों, हमको कोई भी बात सामने आए या कोई कुछ कहे तो हमको हमारा विवेक से निर्णय करना है, न कि किसी के कहने में आके हम कोई भी ऐसा फैसला कर लें जो बाद में पछताना पड़े। जीवन भर कैकेयी पछताई है, उसको हमेशा ये ग्लानी रही है कि मैंने क्या कर दिया है। इसके कारण उसने को पति खो दिया, बेटा खो दिया और समाज में अपयश का भागी बनी है। आज भी दुनिया में कोई भी कैकेयी नाम नहीं रखता है, क्योंकि वो इतना कलंकित नाम लोग समझते हैं कि भाई कैकेयी रखेंगे तो हमारे बेटे को, हमारी बेटी को या हमारी माँ को या बहन को कोई कैकेयी समझेगा। तो कोई नहीं चाहता कि कैकेयी कोई समझे, पर वास्तविकता ये है कि भगवान श्री राम भी जानते थे कि सरस्वती जिह्वा पे बैठ गई थी कैकेयी के, और उन्होंने राजा से वही कहलाया जो कि नियति को होना था। पर यह बात कोई नहीं जानता था, ये परमात्मा ही जानते थे। तो दोस्तों, इस पेंटिंग में मैंने मंथरा किस तरह से कैकेयी के कान भर रही है ये बताया है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी पेंटिंग, कोई भी साइज की पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9313322431। और अगर आपको सीखना भी हो पेंटिंग और दिल्ली NCR में रहते हो तो मैं होम क्लास भी देता हूँ और मेरे यहाँ पे भी क्लास होती है, तो आप मेरे यहाँ आकर भी पेंटिंग सीख सकते हैं। और जय हिंद दोस्तों, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म।